धान खरीदी केंद्रों में अंदरों किसानों को टोकन कटवाने के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब किसान 15 दिनों से धान बेचने और टोकन कटाने के लिए धान खरीदी केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं, वहीं अगर टोकन मिल भी जाए तो वारदात नहीं होने का हवाला देकर उनके धान की तुलाई नहीं की जाती है, जिसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर धान खरीदी केंद्र प्रभारी रामदीन जायसवाल ने कहा कि हमारे धान खरीदी केंद्र में लिमिट से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है और 2-3 दिन के अंदर उठाव नहीं होने पर धान की खरीदी बंद कर दी जाएगी। एक महीना हो गया एंट्री कराए, हर हफ्ता आवा था ना, अब तुम्हारे पारी ही नहीं की, कभी टोकर नहीं कट पाते। अच्छा, कौन गांव आवा था, कौन धान खरीदी केंद्र में था? अरे अपन लोरमी खार के खेती में आता। 15 दिन से क्या परेशानी? टोकन के नाव से हमको धान बेचने सोसाइटी में हैं। क्या करते हैं तो हमको भी, हमारा किसान लोगों को मांग है कि हमें सब किसान को टोकन चाहिए। जो आज तौल हो रहा है, पिछले सप्ताह की कटे हुआ था, सोमवार को तौल भी नहीं होता, जैसे शुक्रवार अभी बुधवार को कल दो परसों दो तौल होना है, वो पिछले सप्ताह वालों का है, वो 15 दिन पहले टोकन जारी हुआ है, वही जो है आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज जो टोकन काटा जा रहा है उनका कब तौलाई होगा? कल होगा, आज वालों को कल होगा।